अस्सलाम वालेकुम बाकलर्स, क्या हाल है। तो इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और इस मौसम के अंदर यार इस गाड़ी का रिव्यू तो बनता है। इस गाड़ी का नाम है चेरी टिगो 4 प्रो। तो आइए चलते हैं, इसके ऑनर से पूछते हैं उनको ये गाड़ी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बिल्कुल आप सही हैं। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सर आपका नाम। कैप्टन गनी अकबर। तो सर सबसे पहले तो मुझे गाड़ी आपकी बहुत पसंद आई है, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये आपने गाड़ी स्पेसिफिकली क्यों ली। ये गाड़ी इसलिए ली कि कई गाड़ियों को देखने के बाद इसमें जो फीचर्स हैं और इसकी ड्राइव है और इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी है, ये मैंने खरीद ली। ठीक है, तो सर आपने शुरू में बता दिया कि फ्यूल इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, तो कितनी है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। मैं लॉन्ग पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन शॉर्ट पे मैंने देखा है, जब मैंने पेट्रोल डाला था और उसको नापा तो शहर में मुझे 12 किलोमीटर मिला इसके ऊपर। और ये अगर देखा जाए तो ये एसयूवी सेगमेंट की क्रॉसओवर है छोटी, तो उसके हिसाब से बड़ी अच्छी फ्यूल है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और सर इसके अलावा आपने बताया कि आपको शेप गाड़ी कैसी लगती है। शेप बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है सर, ब्यूटीफुल। ओके ओके। और सर अंदर से आपको गाड़ी जो है इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा बताएं कैसा। मैंने तो बहुत यानी टॉप क्लास गाड़ी भी रखी है, किराने वगैरह और सारे प्लास्टिक वगैरह बाकी घोड़े के रखे हैं, लेकिन आप इंटीरियर देखें, इतनी लग्जूरियस तो आपको कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। ऐसी और सर जैसे ये स्क्रीन है, आप एसी के कंट्रोल, ये फ्लोटिंग स्क्रीन, स्टिच देखें, हर चीज इन्होंने। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे तो आई थिंक, और BRV में तो आपका सनरूफ भी नहीं है। जी जी। BRV में आपका वो भी नहीं है, क्रूज कंट्रोल भी नहीं है। जी जी। उसके अंदर CVT है, गुड थिंग, लेकिन 7 गियर, इसमें 9 गियर है CVT का, तो उसके फ्यूल इकोनॉमी मजीद बहुत अच्छी हो जाती होगी। 1500 वो भी है, ये भी है, ये 1500 टर्बो है। पिकअप बहुत अच्छी है, भागती है, इसके अंदर दो मोड है, इकोनॉमी स्पोर्ट्स मोड। तो आपने कभी ऐसा जरा भगा के देखी है। भगा के देखी है जनाब, इट फ्लाइज ऑफ। मैं पायलट हूँ और इसको उसी तरफ भगाया मैंने, टेक ऑफ करीब में पहुंच गया। तो सर क्या बात है, आप तो पायलट हैं, तो फिर आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। अच्छा सर कोई तीन ऐसी बातें बताएं जो आपको कि यार उसकी वजह से गाड़ी बहुत अच्छी है, तीन कोई ऐसी बातें। जब मैंने चलाई तो इसकी सस्पेंशन मुझे बहुत प्यारी लगी। जब मैंने देखा कि इस पर 9 गियर है और CVT है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, ये देखे ना, ऑटो होल्ड है, ब्रेक में कोई 8 फंक्शन है इस गाड़ी के अंदर, हर फंक्शन ब्रेक में जो आपको सेफ्टी मुहैया करती है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, पीछे बूट है, बहुत बहुत बड़ा बूट है, मून या सनरूफ भी है, तो हर चीज इसके अंदर है जो मुझे चाहिए। तो सर एक बस एक ये सवाल, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है यार ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई है गाड़ी में, कोई एक या दो चीजें। अभी तक तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ठीक है, सीट्स इसकी पावर्ड है, सीट्स पावर्ड है इसकी, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन वी आर यूज्ड टू मैनुअल। मेरी प्रोटोन में जो है इलेक्ट्रिक है इसके अंदर, और सीट तो एक दफा एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरी बार तो नहीं करते, ये तो फिर आप ही गाड़ी चलाते हैं और आपके लिए, तो आई डोंट मिस दैट। ये मैनुअल है लेकिन बहुत प्यारे। सही सही। अब इसके अंदर 6 फीचर दिए हुए हैं ड्राइवर सीट में, आप इसको कहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं, और उसमें 4 है पैसेंजर सीट में। ओके okay. तो हर चीज अवेलेबल है इसके अंदर, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सही है। तो सर आपको ये गाड़ी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो सर आई लव इट। क्या बात है सर। तो ये गाड़ी इनको तो बहुत पसंद है। तो पार्क व्हीलर्स, अगर आपने इस गाड़ी को देखना है और इसका लॉन्ग रिव्यू देखना है तो वो हमारे YouTube चैनल पे आ जाएगा, और इस तरह के शॉर्ट रिव्यूज के लिए आप हमें TikTok, Snack Video और YouTube Shorts के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद के अंदर एक ज़बरदस्त इवनिंग के साथ इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं।